खबर मध्य प्रदेश के भिंड से है, जहां जिला अस्पताल परिसर में प्राइवेट दलाल पेड़ के नीचे बैठकर विकलांग सर्टिफिकेट बनवाने के लिए फॉर्म भरवा रहे थे और लोगों से 2000 रुपए की रिश्वत की भी मांग कर रहे थे। उसका यह रिश्वत मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो एक दिन पहले गुरुवार का बताया जा रहा है, जहां स्थानीय लोगों ने रिश्वत मांगने को लेकर अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा भी किया। इस मुद्दे को लेकर सिविल सर्जन आर.के. मिश्रा ने कहा कि मामला संज्ञान में नहीं है, अगर कोई भी शिकायत लेकर आएगा तो तत्काल जांच कर कार्रवाई की जाएगी और जो भी दलाल घूमते हैं उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बाबा नंबर नाम लिखो या फोटो खिंचवाओ, मारन को करो जिन्ना फार गया वो अपने बारे में तो बारे में आ रहा है। अब बोलो 2000 रुपए मांगे थे किस बात के? इनने ये बोला था कि 2500 रुपए आप दो, तुमको तत्काल अभी हम निकलवा के देंगे। और उन्होंने फार्म दिखाए, इन्हें लिस्ट नाम दिखाए डायरी में, अभी तत्काल बनवा के देंगे। इंतजार नहीं है, ऐसे पीछे पीछे पता चल रहा था कि बनवा रहे फार्म। तो भिंड से खबर आ रही है, जहां विकलांग सर्टिफिकेशन बनवाने के लिए फर्जीवाड़े का उपयोग हो रहा है। किस तरीके से फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, तो ये बड़ा फर्जीवाड़ा अस्पताल परिसर में ही सामने आ रहा है, जहां जिला अस्पताल परिसर में प्राइवेट दलाल पेड़ के नीचे बैठकर विकलांग सर्टिफिकेट बनवाने के लिए फॉर्म भरवा रहा है। लोगों से 2000 रुपए की मांग भी कर रहा है। उसका यह रिश्वत मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसी खबर में अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता भिंड से जुड़ चुके हैं प्रदीप जी। प्रदीप, तो ये पूरा मामला कहाँ है, क्योंकि क्या है, विकलांग सर्टिफिकेट बनवाने के लिए फर्जीवाड़े का उपयोग किया जा रहा है और 2000 रुपए की रिश्वत भी मांगी जा रही है। तो ये बड़ा फर्जीवाड़ा जो अस्पताल परिसर के ही अंदर का सामने आ रहा है, तो पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे कि अगर भिंड की बात करें तो ये कोई पहला मामला नहीं है। चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात करें या अन्य विभागों की बात करें, तो यहाँ पर जो भ्रष्टाचार है वो पूरी तरह चरम सीमा पर है। और ये एक मामला है जो कि गुरुवार के दिन विकलांग सर्टिफिकेट बनवाने के लिए लोग अप्लाई करते हैं और जब तक लोग रिश्वत नहीं देते, लोगों का कहना है कि जब तक लोग रिश्वत नहीं देते हैं तब तक उनका विकलांग सर्टिफिकेट नहीं बनता है। और वो भी अस्पताल परिसर की बात करें तो सरेआम दलाल अस्पताल परिसर के बाहर ही खड़े दिख जाते हैं। जैसा कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिख रहा है कि एक दलाल है जो कि सरेआम 2000 रुपए विकलांग सर्टिफिकेट बनवाने की एवज में मांग रहा है, और जब उसे 2000 रुपए नहीं दिए जाते तो जो फॉर्म भरे जाते हैं उसको वो फाड़ के फेंक देता है। ये भी वीडियो वायरल हो रहा है। पूरे मामले को लेकर जब सिविल सर्जन से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है, और यदि शिकायत आएगी तो निश्चित ही इन दलालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी जी, तो हम भी अभी अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं और दिखा भी सकते हैं कि किस तरीके से फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, और अगर लोग 2000 रुपए देने से मना कर रहे हैं तो पर्ची को फाड़ कर फेंक दिया जा रहा है। वही जब लोगों को इस बारे में पता चला तो उनका क्या कहना था, उनकी किस प्रकार से शिकायत बाहर आई? जी बिल्कुल, यहाँ के लोगों की बात करें तो लोगों का कहना है कि जो भी विभाग है, चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात करें या अन्य विभागों की बात करें, तो यहाँ पर बिना रिश्वत देके कोई काम नहीं होता है। और बात करें स्वास्थ्य विभाग की, तो यहाँ से जिला अस्पताल परिसर से ही जो विकलांग सर्टिफिकेट है वो बनवाई जाती है, गुरुवार के दिन बनवाई जाती है, और जो लोग वास्तविक विकलांग है, दिव्यांग है, उनके सर्टिफिकेट नहीं है, और जो रिश्वत देते हैं उनके सर्टिफिकेट बन जाते हैं, ऐसा लोगों का आरोप है। और पूरे मामले को लेकर अभी जो सिविल सर्जन है उन्होंने कहा है कि हमारे पास शिकायत ही नहीं आई है, जबकि वीडियो वायरल हो चुका है, वीडियो भी देखा है जी। अब कोई जाके शिकायत करे तब जाके कार्रवाई होगी। तो ये बात तो निश्चित है कि बिना स्वास्थ्य प्रबंधन या बिना कोई जिम्मेदार अधिकारी के बिना ये सब हो रहा है, जो रिश्वत ली जा रही है सरेआम, तो ये संभव नहीं है। कहीं ना कहीं निश्चित ही ये प्रतीत होता है कि ये सब स्वास्थ्य प्रबंधन की मिली भगत से ही सरेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि सरेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है, अस्पताल परिसर के अंदर ही हो रहा है। तो अस्पताल परिसर के अंदर ही बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, तो ये अस्पताल प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। तो इस पे किसी अस्पताल के अधिकारी का कोई बयान सामने आया हो कि वे इस मामले से अज्ञात थे कि क्या था, ये बताइए।
अभी हमने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी की बात करें, सिविल सर्जन की बात करें, तो सिविल सर्जन का बयान आया था, उन्होंने कहा था कि हमें ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है, ना ही कोई जानकारी मिली है। जबकि गजब की बात तो ये है कि जो जहाँ सिविल सर्जन बैठते हैं उनसे मात्र 10 दूरी पर ये विकलांग सर्टिफिकेट के लिए लोग अप्लाई करते हैं, और ठीक उसी के बाहर पेड़ के नीचे बैठकर, जैसा कि वीडियो में दिख रहा है, सरेआम 2000 रुपए मांग रहा है, लेकिन फिर भी जो जिम्मेदार अधिकारी उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वो फिर भी कह रहे हैं कि यदि कोई शिकायत लेकर आता है तो कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ा ही, भिंड की बात करें तो भिंड में बड़ा ही भ्रष्टाचार को लेकर बहुत बुरा हाल है। लोग अपने काम करवाने के लिए, जायज काम करवाने के लिए दर-दर भटक रहे हैं। जो वास्तविक दिव्यांग है उनके जो विकलांग सर्टिफिकेट बनने चाहिए वो नहीं बन पा रहे हैं बिना किसी लेन देन के। जी बिल्कुल, आपने सही बताया, भिंड शहर अब फर्जीवाड़े का हब बनते जा रहा है, बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है शहर में, और अब अस्पताल परिसर के अंदर भी ये फर्जीवाड़े का काम हो रहा है। मामले में हमको जानकारी देने के लिए धन्यवाद प्रदीप।